हेलो एवरीवन, सभी का वेलकम है भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन सक्सेस पॉइंट पे। परमोटेशन और कम्बिनेशन के कंसेप्ट जानने के बाद आज शुरू करते हैं भाई मोस्ट फेवरेट चैप्टर ऑफ ऑल कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम हो। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हर कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, तो आज इसी महत्वपूर्ण चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए पहले आपको परमोटेशन और कम्बिनेशन की नॉलेज होनी चाहिए, फैक्टोरियल के बारे में पता होना चाहिए। उसके लिए हम ऑलरेडी 3 वीडियो डाल चुके हैं, वो वीडियो पहले जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। तो एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ के होने की संभावना कितनी, उसकी संभावना उस चीज़ के होने की संभावना क्या है। अगर मैं कहूँ बारिश होने के चांसेस 30% बारिश होने के चांसेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 30/100। तो किसी चीज़ के होने के चांसेस, हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी में आपको ध्यान क्या रखना है, जो प्रोबेबिलिटी निकालें किसी भी इवेंट की, मतलब कोई भी चीज़ हैपन हो रही है उसको इवेंट बोलेंगे, जो फेवर में केस हैं वो ऊपर आएंगे और टोटल केस कहाँ आएंगे, नीचे। फेवर में केस हैं वो कहाँ आएंगे, ऊपर, और टोटल केस कहाँ आएंगे भाई, नीचे। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एक सिक्का उछाला गया, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हमेशा आपको नीचे शुरू करना, मतलब टोटल केस पहले निकालने, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या कह रहा हूँ भाई, एक सिक्का उछाला गया तो सबसे पहले टोटल केस निकालेंगे। जब सिक्का उछाला गया, या तो हेड आएगी या टेल आएगी, तो टोटल केस कितने होंगे, 2। अब क्वेश्चन के अनुसार देखना अपने फेवर में कितने केस हैं, वो आपसे पूछेगा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो अपने फेवर में केस कितना है, 1, हेड आने के 2 के चांस है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। इसी प्रकार आपसे पूछे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वह भी क्या होगी, 1/2। अब आपसे पूछे एक डाइस है, एक डाइस को उछाला गया, मतलब पासा को उछाला गया, डाइस लूडो खेली होगी आपने, उसके कितने फेस होते हैं, 6। तो टोटल केस तो 6 में से कुछ भी आ सकता है। अब आप, मैं आपसे पूछूं क्या प्रायिकता है कि एक सम संख्या है, तो सम संख्या आने के चांस कितने हैं, फेवर में कितने होंगे, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, और 6 आ सकता है, 3 ही नंबर हो सकते हैं, तो अपने फेवर में केस कितने होंगे, 3, 3/6, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। अभी मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बाद में धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल ऊपर उठाएंगे और बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। अब इसी में आपसे पूछता क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है कि एक ओड नंबर आए, तो ओड आने के भी 3 चांस हैं, 1, 3, 5, तो प्रायिकता क्या होगी, 3/6। तो आप समझ गए भाई टोटल केस कहाँ रहेंगे, नीचे, और अपने जो फेवर में केस हो कहाँ रहेंगे, ऊपर। तो सबसे पहले हमेशा टोटल केस लिखने हैं, फिर क्वेश्चन के अनुसार देखना फेवर में अपने कितने केस, उनको कहाँ लिखना है, ऊपर। अब चलिए क्वेश्चन धीरे धीरे शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले 2 इंपॉर्टेंट बातें और जान लीजिए। प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा किसी भी इवेंट की 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। 0 का मतलब क्या है, वो इवेंट हो ही नहीं रही है। 1 का मतलब वो इवेंट फुल हो रही है, उसकी श्योरिटी 100% है। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। अगर मैं आपसे पूछूं, बोलूं कि प्रोबेबिलिटी है वो 4 है, तो ये नहीं पॉसिबल है, 4 प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती, कि प्रोबेबिलिटी हमेशा कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 0 से 1। प्रोबेबिलिटी -1 है, नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी हाँ 0.5 हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट की, पहली बात, तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया, अभी किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है। एक इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का टोटल हमेशा क्या होगा, 1। अभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एक चीज़ पूछी गई थी, एक इवेंट के अकर होने, मतलब होने की प्रोबेबिलिटी 0.32 थी, तो उसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए दोनों का टोटल हमेशा 1 होता है, इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.32 है, तो ना होने क्या हो जाएगी, 1 - 0.32, आंसर कितना आ जाएगा, 0.68। तो तीनों पॉइंट आपको ध्यान में होने चाहिए, पहली बात जो फेवर में केस ऊपर, टोटल केस नीचे, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की होने की वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा क्या होता है, 1। तो चलिए अब कंसेप्ट आपने जान लिए हैं, अब क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एक सिक्का 2 बार उछाला गया, एक सिक्का
दो बार उछाला गया, जब एक सिक्का दो बार उछाला गया जाएगा तो कुल केस कितने बनेंगे, 2 की पावर 2। जब एक, क्योंकि सिक्के के दो ही चीज होते हैं, हेड और टेल। जब एक सिक्का दो बार उछाला जाएगा तो कुल केस कितने बनेंगे, 2 की पावर 2। जब एक सिक्का 3 बार उछाला जाए तो 2 की पावर 3। या मैं कहता हूँ 2 सिक्के एक साथ उछालेंगे तो भी केस क्या बनेंगे, 2 की पावर 2। ठीक है, तो एक सिक्का 3 बार उछाला जाएगा तो के टोटल केस कितने बनेंगे, 2 की पावर 3। तो कुल केस कितने बनेंगे अपने पास, अब मैं नीचे वाला केस पहले लिखना, टोटल केस पहले लिखेंगे। अब देखिए टोटल केस कितने बनेंगे, 4। अब क्वेश्चन के अनुसार देखते, देखिए जब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जब 2 सिक्के एक साथ उछाले जाए, एक सिक्का 2 बार उछाला जाए तो केस क्या क्या बनेंगे, पहले पे ऐड दूसरे पे ऐड आ जाए, दूसरा केस क्या आएगा, पहले पे ऐड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे ऐड, या दोनों पे टेल। इसके अलावा कोई भी केस नहीं बन सकता भाई, जब 2 सिक्के उछाले जाएंगे, एक सिक्का 2 बार उछाला जाएगा। अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कुल केस कितने बनेंगे, 4। अब आपसे बोले कि क्या प्रायिकता होगी कि दोनों पे सेम आए, दोनों पे सेम, दो ही केस हो सकते हैं, दोनों पे ऐड आ जाए, दोनों पे टेल, तो फेवर में केस कितना हो गया, 2/1/2 आपकी प्रायिकता होगी। समझ रहे बात को भाई। अब आपसे पूछे कि क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम एक हेड आए, कम से कम एक हेड आएगा, मतलब इसमें भी कम से कम एक ऐड है, इसमें भी एक ऐड है, इसमें भी ऐड है, अपने फेवर में कितने केस हो गए, 3, तो प्रायिकता कितनी होगी, 3/4। आपसे पूछे अभी क्या प्रायिकता होगी कि कोई भी ऐड ना आए, तो कुल केस तो हमेशा 4 ही रहेंगे, टोटल केस। एक भी ऐड ना आए तो किसमें, एक भी ऐड नहीं है, इसमें नहीं है भाई, तो अपने फेवर में केस क्या होगा, 1, तो प्रायिकता क्या होगी, 1। बस घबराना नहीं है भाई, टोटल केस पहले लिखने हैं, फिर क्वेश्चन के अनुसार देखना कि अपने फेवर में कौन से केस, फेवर में केस ऊपर और टोटल केस नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक डाइस उछाली गई, क्या कहता है, क्या प्रायिकता है कि एक अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अभाज्य संख्या एक्चुअली में होती क्या है, जिसके कम से कम दो टुकड़े होने चाहिए, हम बचपन से पढ़ रहे हैं, जो खुद से और एक से भाग होती है, एक है वो खुद से और एक से भाग होती है, तो अभाज्य नहीं होती है। तो प्राइम नंबर की सही डेफिनेशन क्या है, जिसके कम से कम दो टुकड़े होने चाहिए, मतलब कम से कम नहीं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या बनती है, 50, 25, सॉरी कितनी, 25। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी भाई, 25, और 1 से लेकर 50 तक होंगी 15। इसका मतलब क्या होगा, 50 से 100 के बीच में कितनी बच गई भाई, 10। अब अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, एक डाइस उछाले गए, एक पासा उछाला गया, क्या प्रायिकता है, अभाज्य संख्या है, तो कुल केस क्या होंगे, जब एक डाइस एक बार उछाली जाती है तो कितने, 6। जब एक डाइस 2 बार उछाली गई जाएगी, या 2 डाइस एक साथ उछाली जाएगी, तो टोटल केस कितना होंगे, 6 की पावर 2/36। अब कहता है अभाज्य संख्या, तो अब 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं डाइस के ऊपर, अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है, 2, 3, 5, ये तीनों अभाज्य संख्या है 1 से 6 तक, तो अपने फेवर में कितने केस होंगे, 3। आंसर कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एक 2 डाइस एक साथ उछाली जाए, या 1 डाइस 2 बार उछाली गई है, क्या प्रायिकता है कि दोनों का टोटल कितना है, 7। तो बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन हमेशा कहाँ से शुरू होगा, नीचे से, मतलब टोटल केस लिखने, जब 1 डाइस 2 बार उछाली जाए, या 2 डाइस एक साथ उछाली जाए, तो टोटल केस कितने बनेंगे, 6 की पावर 2, मतलब 36। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दोनों पे टोटल कितना आना चाहिए, 7। टोटल दोनों पे 7 किस प्रकार से आ सकता है, पहली पे 1 दूसरी पे 6, या पहली पे 6 दूसरी पे 1। पहला केस तो ये बनेगा भाई, दूसरा केस क्या बनेगा, पहली पे 2 आ जाए दूसरी पे 5, या पहली पे 5 दूसरी पे 2। तीसरा केस क्या बनेगा, पहली पे 3 दूसरी पे 4, और पहली पे 4। ये टोटल 6 केस तो अपने फेवर में होंगे, इसके अलावा 7 जोड़ बन ही नहीं सकता, जब 2 डाइस उछाली जाएंगी, तो अपने फेवर में केस कितने हुए, 6। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/6, 1/6। तो आज की क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का बेसिक जाना, कंसेप्ट जाने, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। अब इन सारे कंसेप्टों के साथ हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे, और परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। अब क्वेश्चन की सीरीज शुरू करेंगे, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ भी चुके हैं और आगे आने वाले की संभावना, उससे पहले कंसेप्ट और देख लीजिए, जो आगे आने वाली क्लास में काम आएगा। कहीं भी प्रोबेबिलिटी में या परमुटेशन कम्बिनेशन में एंड आ जाए,
इंग्लिश में या हिंदी वाला और आ जाए तो हमेशा गुना करनी है। क्या करनी है? गुना। या इंग्लिश वाला और आ जाए और हिंदी में या अथवा, और की जगह पर यहाँ तथा भी हो सकता है, ठीक है, तो हमेशा जोड़ना है। अब कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को बार बार, भाई इंग्लिश वाले फोकस करना हमेशा। अब एंड आ जाए तो गुणा, और आ जाए तो प्लस। एंड बड़ा है या और बड़ा है, एंड में तीन अल्फाबेट है, एंड बड़ा है, तो किसी चीज़ को गुणा करेंगे, मान लीजिए 4 और 5 है, इनको गुणा करूंगा जब बड़ा रिजल्ट आएगा या जोड़ूंगा बड़ा, गुणा में बड़ा रिजल्ट आएगा। तो बड़ा है एंड, तो एंड वाले में गुणा करनी है, और छोटा है तो और वाले में जोड़ना है। कहीं भी एंड आ जाए तो गुणा, और आ जाए तो जोड़। तो बने रहिए कॉम्पिटिशन सक्सेस पॉइंट के साथ, और आगे आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। और सभी एक बार व्हाट्सएप नंबर से जरूर जुड़ें भाई, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। 9728435915, नीचे स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा आपको। और PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज अगेन।